नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंशिमा बुटीक चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको सिले हुए सूट से नाप कैसे लेते हैं वो बताऊंगी। दोस्तों, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम सिले हुए सूट से नाप कैसे लें। हम यहाँ से अपने ब्रस्ट का नाप तो ले लेते हैं, हमें तीरा का नाप, गले का नाप, आर्म होल का नाप कैसे निकालना है ये हमें समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, मैं आज आपका इस वीडियो में ये कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। मैं आपको पूरे टिप्स के साथ बताऊंगी कि सिले हुए सूट से हम नाप कैसे लेते हैं, और इसमें से जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे तीरे का नाप लेना, आर्म होल का नाप लेना, बस्ट साइज, कमर का, हिप का, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि सिले हुए सूट से परफेक्ट नाप कैसे निकालें, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, ये हमारा सिला हुआ सूट है और हमें इससे नाप लेना है कि हम कैसे अपने कपड़े को कट करेंगे इसी के नाप से। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने लंबाई का नाप लेना होगा कि हमारे सूट, जो सिला हुआ सूट है हमारा, उसकी लंबाई कितनी है। तो इसके लिए हमें इंची टेप को ऐसे अपने कपड़े को एकदम सही से रख लेना है, और यहाँ से हमें इसकी पूरी लंबाई नाप लेना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, इसकी लंबाई 35.5 इंच की है, तो हम इसे नोट कर लेंगे कि हमारी लंबाई 35.5 इंच की है। आगे ऐसे इसका ये बस्ट साइज नापते हैं। दोस्तों, हम अपने इंची टेप को यहाँ इस सिलाई पे रखेंगे, और यहाँ से ये जो हमारा दूसरे साइड का सिलाई है, यहाँ से हम नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 19.5 इंच का ये बस्ट का नाप होता है, तो हम इसे नोट कर लेंगे 19.5 इंच। दोस्तों, ये हमने एक पल्ला नापा है ऐसे। अब इसी तरह से हम पीछे का पल्ला भी कट करेंगे जैसे आगे का करेंगे। तो हमारा एक साइड का ही नाप हम लेते हैं, दोनों साइड से नाप नहीं लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम अपने कमर का नाप लेंगे। दोस्तों, कमर को जानने के लिए कमर का नाप हम कहाँ से और कैसे निकालें, इसके लिए हम अपने सूट को ऐसे सही से रखेंगे। फिर जो ये गोलाई हमारी आती है सूट की, यहाँ से ऐसे जो गोल हिस्सा आता है, जहाँ हमारी गोलाई है वहाँ से हम कमर का नाप लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से जब हम ये सिलाई आई है, फिर यहाँ से ये चीज़ गोलाई आई है, ये गोलाई यहाँ सबसे ज़्यादा है अंदर के साइड, तो यहाँ से हमारा कमर का नाप होगा। तो ये देखिए, हमारा कमर का नाप 18 इंच का है, तो हम इसको नोट कर लेंगे 18 इंच। दोस्तों, इसी तरह से हम यहाँ से अपने हिप का नाप लेंगे, जहाँ से हमारा चौक खुलता है, ये चौक जहाँ से खुलता है यहाँ हमारा हिप का नाप होता है। तो यहाँ से इस सिलाई तक हम अपने हिप का नाप लेते हैं। यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ तक। दोस्तों, हमें कपड़ा हल्का सा खींच के लेना होता है नाप ऐसे। ये 22.5 इंच का हिप है हमारा, तो हम हिप 22.5 इंच नोट कर लेंगे। दोस्तों, ये तो सीधा सीधा नाप हमारा हो गया, बस्ट साइज, कमर साइज और हिप का। अब मैं आपको तीरे का नाप लेना बताऊंगी कि तीरे का नाप हम कैसे लेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपने कपड़े को एकदम ऐसे सही करके चारों तरफ से ऐसे रखना होगा, और इस सिलाई से जो हमारे जहां से हमारा बाजू चढ़ता है यहां से, और ये वाला बाजू जहां से चढ़ता है वहां तक, ऐसे करके हम ऐसे नाप लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा शोल्डर यहाँ पे 11 इंच का आ रहा है, तो हम इसको 11 इंच नोट कर लेंगे। अगर ऐसे आपको ना समझ में आए कि हम ऐसे कैसे निकालें, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से एक साइड का ये चीज़ नाप लीजिए। तो देखिए, इसमें 3.25 इंच का है और इधर भी 3.25 इंच का है, तो 3.25 इधर 3.25 इधर 5.5 ये हुआ। उसके बाद हम यहाँ से बीच का हिस्सा नाप लेते हैं। देखिए, ये भी 5.5 का है,
तो 5.5 ये और 5.5 ये दोनों मिला के हमारा 11 इंच का हो गया, जो हमने यहाँ से भी यहाँ तक 11 इंच ही नापा था। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने तीरे का नाप लेते हैं और इसके बाद हम अपने गले का नाप लेंगे। तो दोस्तों गले का नाप हम अभी ऐसे सीधा कभी नहीं लेते हैं, ये सीधा लेना गलत होता है। गले का नाप यहाँ से तिरछा लेते हैं, एकदम जो सेंटर आता है वहां से, यहाँ से अपने इस सेंटर में हम नाप लेंगे। तो इसका आगे का गला 6.5 इंच है और उसी तरह से हम पीछे का गला भी नाप लेंगे। तो यहाँ से ये तिरछा हम नापेंगे तो ये 7 इंच का है। तो आगे का गला हमारा 6 इंच और पीछे का 7 इंच का है। अब दोस्तों हम अपने फ्रंट को नापेंगे। तो फ्रंट नापने के लिए दोस्तों हमें ये जो हमारी आर्म होल की ये गोलाई है, तो जहां से ये गोलाई आती है यहां से और यहां तक हम अपना फ्रंट नापते हैं। तो दोस्तों देखिए ये यहां से यहां तक 12.5 इंच का हमारा फ्रंट आ रहा है। तो जब हम इसको अपने सूट की कटिंग में नापेंगे तो 12.5 इंच है, तो इसका आधा हम करेंगे तो ये 6.25 इंच का होगा, क्योंकि हम सूट ऐसे मोड़ के नापते हैं तो अपना फ्रंट इसमें 6.25 इंच का हम रखेंगे और जब हम उसको खोलेंगे तो वो ये 12.5 इंच का आ जाएगा। दोस्तों इसमें सिलाई के लिए मार्जिन नहीं रखना है, सिलाई जब हम करते हैं तो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। दोस्तों इस तरह से हम अपने शोल्डर का नाप ले लेते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा चौक कितना ओपन है और हमारा घेरा कितना है। तो दोस्तों यहाँ जहाँ से ये चीज़ ये ओपन है, जहाँ से हम हिप का नाप लेते हैं वहाँ से हम अपने चौक का नाप ले लेंगे। ये 17 इंच पे ओपन है तो चौक हम 17 इंच पे खुला लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ से हम घेर का नाप लेते हैं कि हमारा घेर कितना है। तो देखिए दोस्तों ये घेर है हमारा 23.5 इंच का, हमारा हिप इसमें 22.5 इंच का था, उससे 1 इंच ज़्यादा हमारा ये घेर है 23.5 इंच का, ये हमारा घेर हो गया। दोस्तों ये तो हो गई सूट का नाप, अब हम बाजू का नाप लेंगे। दोस्तों आपको बाजू जितना बड़ा या जितना छोटा बनाना है उतना अपनी लंबाई रख सकते हैं। हमें बाजू यहाँ से नापना होता है, यहाँ जो हमारी शोल्डर की सिलाई होती है वहाँ से हम अपने बाजू को नापते हैं। दोस्तों यहाँ से ये बाजू 4 इंच का है, आप चाहें तो जितना लंबा रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो इसमें हम 4 इंच का बाजू बनाएंगे, तो इसकी लंबाई 4 इंच है और दोस्तों इसकी गोलाई हम नापेंगे जो ये है, ये आगे का हिस्सा है, ये बाजू की गोलाई होती है तो हम अपनी गोलाई भी नाप लेंगे। तो दोस्तों गोलाई हमारी 6.25 इंच की है। दोस्तों इसका आर्म होल नापने के लिए कि हमें बाजू का आर्म होल काटना कितना है, हम कैसे कट करेंगे, तो इसके लिए हम ये सूट को हम सीधा रखेंगे ऐसे एकदम, और फिर यहाँ से ये हम एकदम इंची टेप को ऐसे यहाँ से सीधा रखेंगे और इस सिलाई तक, दोस्तों ये जो सिलाई है हमारी जहाँ से हम जोड़ते हैं बाजू वहाँ तक ऐसे हम नाप लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 7.5 इंच आ रहा है, तो हमारे बाजू के आर्म होल की गोलाई, बाजू का आर्म होल 7.5 इंच पे कटेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सूट का नाप लेंगे तो आपके सूट का नाप एकदम सही निकलेगा और इसी नाप से जो आप नाप लेंगे सूट का उसी नाप से आप अपना सूट काट सकते हैं। तो दोस्तों ये है सूट मेजरमेंट का तरीका जो सिले हुए सूट से लिया जाता है। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा मुझे वीडियो में कमेंट कर तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको और भी कुछ पूछना हो, इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।